सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है इस वक्त 5:02, तो 5:02 हो रहा है। आज है 26 सितंबर संडे। तो संडे के दिन आपको मॉर्निंग में मालूम है मैं क्यों रेडी होके तैयार होके व्लॉग करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज होने वाली है हमारी संडे राइड। तो संडे राइड की आज की लोकेशन जो है वो है अहमदाबाद टू नल सरोवर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं नल सरोवर। उससे पहले जाके मीटिंग पॉइंट जो है हमारा सनातन सर्कल, और उससे पहले एक और स्टॉप लेके जहाँ पे हम हमारे कशिश भाई को पिक करेंगे, वहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे। तो फटाफट से राइड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, क्योंकि 5:30 मीटिंग पॉइंट पे मेरे को पहुँचना है और 5 o'clock हो चुके हैं। तो फटाफट से मैं गियर अप होता हूँ और निकलता हूँ। उससे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या राइडिंग गियर्स है जो मैं कैरी करने वाला हूँ इस राइड के लिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस आर द राइडिंग गियर्स विच आई एम कैरिंग फॉर दिस राइड। सो राइड की राइड ज़्यादा लंबी नहीं है, 80 किलोमीटर से, बट फिर भी मैं राइडिंग गियर्स कैरी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा लेवल 2 प्रोटेक्शन वाला जैकेट, उसके बाद में हमारे नॉर्मल KTM ग्लव्स, फिर ये दोनों क्लोथ्स अपने, फिर हेलमेट। तो यही चीज़ें, बेसिक चीज़ें इन्हें कैरी कर रहा हूँ मैं इस राइड के लिए। तो फटाफट से मैं गियर अप होकर आपको मिलता हूँ। सो गाइज, हियर वी आर कम्प्लीटली रेडी। एज यू ऑल कैन सी, हेलमेट वगैरह, जैकेट वगैरह सब पहन लिया है मैंने। वी आर कम्प्लीटली सेट फॉर द राइड। तो बस अब बचे हैं तो ग्लव्स, तो फटाफट से चलते हैं नीचे। ग्लव्स तो नीचे, बाइक को कोल्ड स्टार्ट वगैरह कर लेंगे उसके बाद में पहन के। तो फटाफट से चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं सीरियसली काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो काफ़ी गालियाँ पड़ने वाली है आज फिर से मेरे को मीटिंग पॉइंट पे। तो फटाफट से टाइम वेस्ट करना, नीचे चलते हैं आपको दिखाता हूँ बाइक। बाइक का करते कोल्ड स्टार्ट और सीधा चलते हैं मीटिंग पॉइंट की तरफ। सो गाइज, हियर इज आर बाइक कम्प्लीटली रेडी। तो इसको मैंने 2 दिन पहले ही रेडी कर दिया था, कम्प्लीटली वॉशिंग हो चुकी है, चेन क्लीन, चेन न्यू हो चुकी है। तो कम्प्लीटली रेडी टू रोल, फटाफट से करते हैं इसको अन कवर, दिखाता हूँ आपको बाइक की कंडीशन, फिर करते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट और चलते हैं मीटिंग पॉइंट के लिए। सो गाइज, हियर इज आर बाइक, देख लो कम्प्लीटली शाइन कर रही है। एक बार आपको ओवर लुक दिखा देता हूँ मैं बाइक का, ये देख सकते हो आप, पूरी कम्प्लीटली शाइन कर रही है लाइक ब्रांड न्यू। अब आके देखते, होपफुली बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बारिश हो गई तो वापस से बाइक की हालत ख़राब हो जाएगी, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाफट से करते हैं बाइक का कोल्ड स्टार्ट। उससे पहले आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ। तो फटाफट से करते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट। तो ये सही में कोल्ड स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने आई थिंक से 2 या 3 दिन से चालू नहीं थी। उससे पहले मैं गया था फ्यूल अप कराने के लिए, तो फ्यूल अप करा के रेडी लाया था, तब चलाई थी। तो कोल्ड स्टार्ट करते हैं इसका। ये जो चीज़ है ना KTM की, ये सिंगल स्टार्ट में चालू हो जाती है। कई बार मैं 2-2 महीने तक इसको राइड नहीं करता, फिर भी सिंगल सेल्फ में चालू होती है। ये चीज़ मुझे KTM की काफ़ी प्यारी लगती है। तो आप खाली इसकी आवाज़ सुनो, सुबह सुबह में कितनी लाउड आवाज़ है स्टॉप में, अगर इसके अंदर मैं आफ्टर मार्केट साइलेंस डाला तो कसम से कतल कर देती है बाइक। उसके लिए भी कुछ प्लान है मेरे, तो वो आपको आगे चल के वीडियोस में पता चल जाएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर को एक बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है, जिसके ऊपर एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना पड़ेगा, ताकि वो वीडियो पोस्ट होती है आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो बाइक का कुल शॉट अपने देख लिया, मैं फटाफट से निकलता हूँ राइड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, और सीधा मिलता हूँ मैं आपको मीटिंग पॉइंट पर। क्या बात है, पूरी कंप्लीट टूरिंग बना दी है INS। तो गाइस, हियर वी आर एट द रिंग रोड। इधर हम दोनों मर्ज हो, इधर से चल रहे सनातन सर्कल, जो कि हमारा मीटिंग पॉइंट। चले चलो चलो चलो, फटाफट चलते। सो गाइज, हियर वी आर स्टॉप्ड एट द मीटिंग पॉइंट सनातन सर्कल पे, टी ब्रेक के लिए। टी ब्रेक ले लिया है, अभी सारे बाइकर्स निकल रहे हैं। आपको एक बार लाइनअप दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, 5 जने हैं, तो लाइनअप दिखाता हूँ, फिर फटाफट से चालू करते हैं राइड को। सो गाइज, हियर इज द लाइनअप, R15 INS, KTM, डोमिनार और हमारी निंजा 300। ये 5 बाइकर्स ही हम, चलते फटाफट से राइड पे। गाइज, हियर वी आर ऑन द रोड। स्टॉप लिया एक छोटा सा, क्योंकि डोमिनार में जो है हवा कम थी आगे के टायर में, तो इस वजह से काफ़ी ख़राब बैलेंसिंग हो रही थी कॉर्नरिंग के टाइम। तो इधर एक स्टॉप लिया, बाकी की दोनों बाइक इधर है। लेट्स मेक अ मूव नाउ। गाइज, हियर वी आर एट द नल सरोवर। तो इधर है हमारी बाइक्स,
तो इधर अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के बाद में यो इधर टिकट ले रहे। टिकट लेने के बाद में एंट्री होगी। बाइक देखो कितनी सेक्सी दिख रही है इधर से। और बात करें किलोमीटर्स की तो कितने किलोमीटर हमने किए, तो 97.8 किलोमीटर डन। और टाइम हो रहा है इस वक्त 1958 और हम लोग वहाँ से निकले थे अराउंड 6 बजे, तो 7 o'clock को वहाँ से निकले थे हम। और अभी 8 बजने हैं, मतलब हम लोग एक घंटे के अंदर 1 hour to 1 hour 15 minutes में इधर पहुँच चुके। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही यहाँ तक कि अब अंदर जाते और अंदर एंजॉय करके बोटिंग वोटिंग करने का पूरा सीन है। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, वेदर साथ दे रहा है आज। बस बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बारिश होगी तो पूरी बाइक्स वाइक्स और हम सब गंदे हो जाएंगे। और मैं रेन लाइनर तक कैरी नहीं किया मैंने, तो मेरे को वही डर है कि बारिश ना हो। गाइज हियर वी आर, कंप्लीट लाइनअप लग गया है। उत्सव भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है अभी इधर। तो ये रहे हम सब और ये रहे सारे बाइकर जिनसे बात करते। सो विक्रम भाई, हाउ वाज द रोड? हेलो, मजा आया। कशिश भाई, रोड कैसा था? अच्छा, बस और कुछ नहीं। आमिर भाई, सब लोग क्या खाली कुछ बोल भी लो। आप कुछ बोलोगे कि आप भी एक्शन? अच्छा था भाई रोड, दोनों रोड थे, विलेज रोड भी था और हाईवे भी था। मेन तो डाइवर्जन थे इसलिए अपने को इतना टाइम लगा, बाकी तो फटाफट आ जाते। और उत्सव भाई ने भी अभी ज्वाइन कर लिया हमें। इतना लेट क्यों ज्वाइन करा? हां लेट ज्वाइन कर पाया पर टाइम पर पहुंच गया। मतलब टाइम पर तो पहुंच गए हम लोग, पहुंचे और जस्ट ये आ गए। 20 किलोमीटर का शॉर्टकट ले लिया तो टाइम से ज्वाइन कर। वो अच्छा, वो उस वजह से आ गए फटाफट। तो चलते हैं फटाफट अंदर, टिकट ले लिए, एंट्री करा ली, अब चलते हैं इधर से अंदर। सो गाइस हियर वी आर एट द नल सर्वर, पहुंच गए इधर अंदर। इस तरह का कुछ सीन है, सारी बोटिंग वगैरह है। बिग्रेट राज, बिग्रेट तू वाच उसी जगह दिखता है। ओहो, 360 आनी अंदर 120 किलोमीटर में। 120 किलोमीटर यार भाई, 400 किलोमीटर। 400 लो, एक्सप्लेन करो तुम्हें डिटेल में। 400 किलोमीटर इंजीनियरिंग बढ़िया हो तो क्या लाओ तुम? कट कर वाले का अच्छा फोटो आया। हां बात साहब, अच्छा तो कर लो भाई। बोलो बोलो बोलो, हमारो नहीं भी बोलो। हम आप टाइम जग गए फरवानी छे। हां एक बार टाइम जग गए आपरे आवशे त्याला आवशे जे आपरा पक्षी नो जे नानो बॉर्डर आवे પછી આજે નામ છે જે આપણો બીજો પક્ષ જે ફોટા પાડવાનો પોઈન્ટ આવે પછી આજે નામ છે વિશાળા ટાપુ એમાં આપણે 3 પોઈન્ટ આવે એમાં તમને મજા આવે કારણ કે એમાં તમને 6 જગ્યાએ તમે એમ લાગે ના બાકી સહયું જોવાનું બરોબર એટલે આઈલેન્ડ એટલે આવા નાના નાના આઈલેન્ડ બનેલા છે ઓકે પાણી મોમેન્ટ વાળો પછી જયારે એનો ખોરાક થાય ત્યારે એક પગ ઉભી રહે જો બાજુમાં ઉભા છે વાત આવો ગુલાબી જો પગ આવો અને ઉપર કારો કિચન કોલ મુરા गाइज हियर वी आर इन द नल सरोवर, बोटिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। ये रहे सारे इधर बैठे हैं, इधर है तो काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह सब है इधर। और पानी भी काफ़ी अच्छा है, नेचर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है अभी। थोड़ी सी थोड़ा सा वेदर सनी हो गया है बट स्टिल ज़्यादा हॉट नहीं है, ह्यूमिड नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी है। हाय,
सो गाइज हियर वी आर, इधर आइलैंड्स बने हुए बहुत सारे छोटे छोटे, इनका कहने के हिसाब से 120 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर या किलोमीटर ऐसा कुछ बोला इन्होंने, उसमें ये पूरा नल सरोवर बना हुआ है और उसके अंदर 300 प्लस आइलैंड है छोटे छोटे सारे। ये एक बड़ा आइलैंड था, यहाँ पे खाने गए बट आई डोंट थिंक सो कि अपने लायक होगा, तो इसलिए अब इधर से चल रहे हैं। अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:30 होने आए, तो सोच रहे इधर से निकलते हैं फटाफट क्योंकि भूख लगी है बहुत कस के, तो फटाफट से निकलते हैं इधर से बाहर। इस तरह का कुछ व्यू है, देख लो एक बार। टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, हम लोग इधर रुके हैं ऑनेस्ट के यहाँ पे, सो ऑनेस्ट में हैं हम। ये रही बाइक, बाइक का लाइनअप आपको दिखाता हूँ और चलते हैं अंदर क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी तो पहले कुछ खाते हैं। सो गाइस हियर इज द लाइनअप एट ऑनेस्ट। अभी एक बाइक आ रही है, एक डोमिनर आगे निकल गई है, वो आ रही है, तो दिस इज़ द लाइनअप एट ऑनेस्ट। फटाफट चलते हैं अंदर, बहुत तगड़ी वाली धूप भी हो रखी है। गाइज डन विद द ब्रंच, ब्रंच कर लिया है, अभी 12:34 हो रहे हैं तो इधर से निकल रहे हैं हम सब, तो सब रेडी है। हाँ आमिर भाई चले, चले बस चलना है, उतना नहीं है ना, बस चलना है। तो चलते हैं अब फटाफट से सीधा और फटाफट घर निकलते क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, तो फटाफट चलते हैं आपको रूट में, तो अब नहीं अब डायरेक्टली जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे आपको मिलता हूँ। तो गाइस एक बार इधर से निकलने से पहले अब डायरेक्टली कहीं पे स्टॉप नहीं लेंगे, सब अपने घर के अपने अपने घर के लिए निकलेंगे, तो उससे पहले सबका राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जान लेते, सबसे पहले इनसे जानते हैं। तो कैसा रहा राइड का एक्सपीरियंस आपका? यात्रा नो अनुभव सारो रहो, अब जमीन यात्रा नो सुखद अंत करना के घर तरफ बड़ी जरूरी है, घर तरफ बड़ी है, कोई नहीं मतलब। चलो इनसे पूछते राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फर्स्ट क्लास, वेदर है मस्त, तो ये अच्छा हुआ आप वापस से रेगुलर हो गए अब राइड्स के अंदर, तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा, पहले जैसे कि रेगुलर हो चुके थे थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो गए थे। आमिर भाई मज़ा आया राइड पे? बस बोल जलसा ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब रेगुलर राइड्स करते हैं हमारे साथ, दो राइड तो रेगुलर थे, देखते तीसरी राइड में आएंगे। चलो तो फटाफट से निकलते इधर, बाकी की बातें आगे चल के करते हैं। गाइज आई फाइनली रीच्ड होम, बाइक की कंडीशन देख लो एक बार, थोड़ी बहुत कीचड़ में गंदी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है बस नॉर्मल गंदी हुई है। टॉकिंग अबाउट द किलोमीटर, सो 179 किलोमीटर डन, क्या हुआ कैसे हुआ वो सब मैं ऊपर जाके बताऊँगा, एक बार ये बाइक का ओवर भी देख लो और चलते हैं फटाफट से ऊपर और वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइज फाइनली आई एम हियर एट होम, तो फटाफट से जैकेट वैकेट उतारता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है एज यू ऑल कैन सी, तो फटाफट से मैं चेंज कर लेता एक बार, उसके बाद में बैठ के आराम से बात करते और वीडियो को एंड करते उसके बाद में फटोफट। सो गाइज फाइनली आई एम एट होम, तो चेंज वेंज किया अभी, थोड़ा रिलीफ मिला है, तो बात करते हैं अब राइड की। तो राइड में के वीडियोस आपको देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, दैट इज़ आई एम वेरी एब्सोल्युटली श्योर, क्योंकि बर्नआउट वाला वीडियो देखा आपने क्लिप, वो कितनी अच्छी थी, क्योंकि मेरा फिक्स है कि जहाँ पे भी मैं राइड करने जाता हूँ वहाँ बेसिकली एक बर्नआउट मारता हूँ, तो क्या मेरा ऐसा कुछ सीन है कि मैं वहाँ पे एक अपनी निशानी छोड़ जाता हूँ बर्नआउट के सही, तो फिर उस तरह का सीन था कुछ, तो बर्नआउट किया, काफ़ी मज़ा आया, राइड करी, फिर नल सरोवर लेक देखा काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे भी हमें, तो फिर आइलैंड वाइलैंड घूमे, इतना कुछ खास नहीं था पर हाँ मस्ट विजिट था, अगर जिनको बर्ड्स पसंद है या फिर जिनको फोटोग्राफी का शौक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, उनके लिए वो जगह बेस्ट है, तो काफ़ी मज़ा आया राइड करके। बात करें 179 किलोमीटर कैसे हुए, तो जाते टाइम हमने जो रूट लिया था वो लॉन्ग था, तो वो हमें 99.something किलोमीटर था, यानी 100 किलोमीटर उसका हुआ था, मैंने दिखा देता आपको, तो बाद में आते टाइम हमने शॉर्टकट वाला एक रूट था उसको लिया, तो वो 79 किलोमीटर पड़ा, इस हिसाब से 179 किलोमीटर हुए, तो काफ़ी अच्छी राइड थी। वैसे तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली बोले तो 11:30-12 बजे तक घर पे आ जाना चाहिए था, पर वहाँ बोटिंग वगैरह की तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग गया, फिर बाद में आते टाइम ऑनेस्ट में रुके, फिर वहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया,
तो वो सब होते होते अभी 12:30 को हम लोग घर पे आ चुके हैं फिर भी। सो काफ़ी अच्छी राइड थी, तो और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रील्स इंस्टाग्राम के लिए और फोटोज़ क्लिक किए हुए, तो फिर वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने मिले कि इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी, अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट्स करता हूँ मैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब पे हफ्ते में दो ही बार आते हैं, इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स होते हैं। सो बस दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।